हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज संभव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। वी आर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर विच इज पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पूरा का पूरा अगर हम और सिविक्स का हम सिलेबस देखते जाएं तो पहला चैप्टर हम लोगों ने पावर एंड शेयरिंग पढ़ा, दूसरा चैप्टर फेडरलिज्म पढ़ा, तीसरा चैप्टर पढ़ा डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, चौथा चैप्टर पढ़ा जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। तो इन सभी चैप्टरों में हम लोग अगर सिमिलैरिटीज खोजा जाए तो हम लोग इवोल्यूशन, हम लोगों ने क्या देखा है, इवोल्यूशन देखा है। किस बेसिस पे इवोल्यूशन देखा है? सबसे पहले देखा कि पावर शेयरिंग भाई क्यों जरूरी है। जहाँ पे डाइवर्सिटी होगा वहाँ पे पावर शेयरिंग जरूरी ही जरूरी है। किसी भी तरीके से वहाँ पे पावर शेयरिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो दैट विल लेड टू ए कन्फ्लिक्ट एंड दैट विल लेड टू ए डिजास्टर सिचुएशन लाइक सिविल वार। ठीक है, और मैंने आपको स्टार्टिंग पहले के लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया हुआ सिविल वार होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा फेडरलिज्म, भाई पावर शेयरिंग करेंगे तो पावर शेयरिंग का भी एक तरीका है फेडरलिज्म जिसको बोलते हैं। तो फेडरलिज्म में हम लोगों ने की एलिमेंट ऑफ फेडरलिज्म देखा था, जहाँ पे डुअल पॉलिटी होता था, सिंगल से डबल सिटीजनशिप होता था, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता था, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता था। तो ये सब फेडरलिज्म हम लोग देखा। पावर शेयरिंग भी करेंगे तो किस तरीके से किया जाना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी में हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा कि जब हम वोट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुनते हैं जहाँ पे लोगों को वोट देने का राइट रहता है, पॉलिटिकल राइट दिया जाता है वोट देने का, तो क्या वहाँ पे डाइवर्सिटी से क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी डेमोक्रेसी पे, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया था। फिर हम लोगों ने देखा कि जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, ये मतलब आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं हम लोगों ने देखा कि कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कि अब हमको क्या देखना है कि जो भाई पॉलिटिक्स कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है, किस तरीके से उसका ओरिएंटेशन होता है, क्या नहीं होता है, इस चैप्टर में हम उसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर विच इज पॉलिटिकल पार्टी, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नीड फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब जरूर क्वेश्चन आने वाला, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है बोर्ड में, तो बने रहिए आदित्य क्लास के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। तो ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ मिलते हैं और क्या करते हैं, इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं और कुछ कुछ वादा करते हैं किसको, कि देखिए हम इलेक्शन जीत के आएंगे तो आपको ये दे देंगे। जैसे बीजेपी का नारा था कि 370 हटाएंगे और क्या करेंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ का डिफरेंट डिफरेंट नारा होता है, अपना मैनिफेस्टो होता है। तो क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल होंगे और क्या करेंगे, सबका आइडियोलॉजी एक ही होगा, मतलब सब एक ही पॉलिसी पर क्या करेंगे, एग्री करेंगे, तभी तो साथ आ पाएंगे। अगर हम क्लास में किसी को बोलेंगे कि किसको क्रिकेट खेलना है, किसको फुटबॉल खेलना है, जिसको क्रिकेट खेलना होगा वो क्या करेंगे, एक साथ आ जाएंगे, जिनको फुटबॉल खेलना होगा उनको वो क्या करेंगे, एक साथ चले जाएंगे, तभी तो वो क्रिकेट फुटबॉल खेल पाएंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो पॉलिटिकल पार्टीज अगर एक कोई भी पॉलिसी बनाता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज में क्या हुआ है, आया हुआ है, वो क्या करेगा, सिमिलर पॉलिसी पर क्या करेगा, एग्री करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत अच्छे तरीके से आगे क्या करना है, पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्या है, ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टीज का। एंड दे एग्री ऑन द सेम पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर ए सोसाइटी विथ ए व्यू टू प्रोमोटिंग द कलेक्टिव गुड। पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन इन सोसाइटी, थस ए पार्टी इज नोन बाई विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर, विच पॉलिसी इट सपोर्ट्स एंड हुज इंटरेस्ट इन इट अपहोल्ड्स। ठीक है, मैंने आपको बहुत पहले से बताया हुआ था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, कॉन्टेक्स्ट इलेक्ट करेंगे, एग्री ऑन द सेम पॉलिसी एंड प्रोग्राम पे एग्री करेंगे, या और क्या करेंगे, पावर होल्ड करने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में इनको वोट मिलेगा, अगर मेजोरिटी में आ गए, मेजोरिटी गवर्नमेंट बना लिए, रूलिंग गवर्नमेंट बना लिए, तो जाएंगे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में अपना रूल करेंगे। अब देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है कि पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन इन अ सोसाइटी। ये क्या चीज़ है, क्या पार्टी कैसे किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकता है कि फंडामेंटल डिवीजन सोसाइटी में कैसे है। अगर कोई पार्टी कॉम्युनल पॉलिटिक्स करता है, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे वोट मांगा जाना चाहिए कि नहीं मांगा जाना चाहिए, ये आपका इशू है, आप इस पर बहुत अच्छे से गहन विचार कीजिएगा, सोचिएगा, इस पर थिंक कीजिएगा, डीप थिंकिंग कीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है दोनों दोनों जो रिलीजियस ग्रुप हैं उनमें क्या होगा, डिवीजन होगा। और कास्ट के बेसिस पे वोट मांगा जा रहा है, जैसे कास्ट के बेसिस पर देखेंगे लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट, और लोअर कास्ट वाला पॉलिटिक्स हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट में अभी भी कुछ ना कुछ डिवीजन बाकी है। अगर ये बहुत टफ होगा कि एक एक लोगों से जाकर पूछ लेने के लिए, तुम लोअर कास्ट को, मतलब कोई अपर कास्ट के लोगों से पूछिएगा आप जाके कि आप लोअर कास्ट के बारे में क्या सोचते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा बुरा नहीं बताएगा। लेकिन देखिए, हम क्या बोलते हैं वो मायने नहीं रखता, हम क्या करते हैं वो मायने रखता है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज, वही पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक मुद्दे पर खड़ा होता है, बोलता है अपर कास्ट को अपीच करता है, चाहे कोई लोअर कास्ट को अपीच करता है, अगर वोट उसको मिल जाता है वो जीत जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है
आपके कथनी और करनी में अंतर हो गया, ठीक है, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे थे, हम लोग भाई भाई हैं लेकिन जाके वोट दे दे रहे हैं किसको, जो आपको अपीच कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है एक रिफ्लेक्ट करेगा सोसाइटी में डिवीजन को, सही, यही वाला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और किसके इंटरेस्ट इंटरेस्ट को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, अपहोल्ड कर रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इशू था। अब आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे पहले द लीडर, एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर्स, तीन कंपोनेंट है इसके, तीन कंपोनेंट है, द लीडर, द एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर्स, ठीक है, तीन। लीडर कौन होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट पोस्ट पे जो होता है वो क्या होता है, लीडर होता है, मतलब सबसे पहला, सबसे जिसके बात को सब कोई मानता हो वो क्या हो गया, पार्टी का लीडर हो गया, ठीक है। द एक्टिव मेंबर हु वर्क्स फॉर द पार्टी, क्या, हु वर्क्स फॉर द पार्टी, ठीक है, ये हो गया। एक्टिव फॉलोअर्स क्या हो गया, जो पार्टी में एक्टिवली वर्क तो नहीं कर रहे हैं लेकिन कहीं ना अंदर अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ फोटो वगैरह आ गया तो उसको शेयर कर दिए, वोट फॉर भाजपा कर दिए, बिना कोई, बिना किसी पैसे के फ्लो कर रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं। जैसे मान लीजिए दो मैटर हुआ, ठीक है, एक 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 मतलब बोला था कि CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसको लाया जाए, एक बोल रहा था कि नहीं लाया जाए। तो मान लीजिए दो पॉलिटिकल पार्टीज होगा, दो पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अलग अलग आइडियोलॉजी होगा, कोई बोल रहा होगा कि नहीं लाया लाया जाना चाहिए, कोई बोल रहा होगा लाया जाना चाहिए, तो किसकी बात को माने, तो ये क्या होगा, फॉलोअर अपने आप में डिवाइड हो जाएंगे। जो पॉलिटिकल पार्टी बोल रहा होगा सिटीजनशिप एक्ट को लाया जाए, अगर हम भी एज ए फॉलोअर, एज ए सिटीजन हम सोचते हैं कि नहीं लाया जाना चाहिए, तो हम उस पार्टी के साथ चले जाएंगे, और जो जो बोल जिसको लगता होगा कि नहीं नहीं लाया जाना चाहिए वो अलग पार्टी के साथ चल जाएगा। तो अपने अपने आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो फॉलोअर क्या करते हैं कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट मेंबर तो नहीं होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसके आइडियोलॉजी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसके आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, हु इज नॉट एन एक्टिव मेंबर ऑफ पार्टी बट सपोर्ट्स इट्स प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम और पॉलिसी कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोग्राम और पॉलिसी, ये क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन इन ए पार्टी, मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन अ पार्टी, ठीक है, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन हो जिसका मतलब इमेज बहुत तगड़ा हो, जैसे मोदी जी का इमेज बहुत तगड़ा है, उनको बहुत लोग जानते हैं, पैन इंडिया इमेज है इसका, मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन मतलब जिसका पैन इंडिया इमेज हो, पैन इंडिया इमेज, जिसको सभी लोग जानते हो और उन पे सभी लोग ट्रस्ट करते हो, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक पूरा का पूरा बात हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहेंगे तो। तो मतलब हम लोग को दिमाग में आता होगा कि भाई नीड क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, नीड क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, या बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ का देश चल नहीं सकता है। तो सबसे पहले आपको एक सिंपल सा स्टोरी मैं बताना चाहूँगा, सिंपल सा कंसेप्ट बताना चाहूँगा, ठीक है। मान लीजिए पहले के लोग, पहले जो रिलीजियस लॉ बुक के हिसाब से हमारा सोसाइटी चलता था कि सोसाइटी में क्या होगा, किस मतलब किस प्रोमिनेंट ग्रुप को, मतलब किस ग्रुप को कैसा पोजीशन मिलेगा, ये सब रिलीजियस बुक द्वारा आधारित था, रिलीजियस बुक द्वारा हमारा सोसाइटी क्या कर रहा था, रन कराया जा रहा था। लेकिन वही रिलीजियस बुक को जब कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस कर देता है तो भाई हम बोलेंगे भाई व्हाट इज़ द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का नीड क्या है, अगर नीड क्या है तो सबसे पहले वो जानेंगे। तो आप ऐसे समझिए, हमारा जो देश है, हमारे देश में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर होता है, पेड़ पौधे, उन पे अधिकार किसका हो, उन पे राइट्स किसका हो। मान लो अगर कोई कोयला का खान है, ठीक है, कोल माइन है, कोल माइन पे वहाँ के लोग क्या करेंगे, अगर उस पे किसी को रेगुलेट नहीं किया जाएगा प्रॉपरली तो लोग उसको एक्सप्लॉइट कर देंगे, वो बोलेगा मेरा है, कोई बोलेगा मेरा है, सबको कोयला चाहिए। मान लो कोई हीरे का माइन हो तो सबको हीरा चाहिए, सब आपस में लड़के मर जाएंगे, तो उसको एक रेगुलेटरी ऑप्शन तो चाहिएगा, उसके लिए कौन रेगुलेट करेगा। अभी आप देखिएगा कि फॉरेन रिलेशन हमारा तगड़ा होना चाहिए, हमारे नेबर से हमको प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे बहुत ही हॉस्टाइल नेचर के नेबर हैं, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, हमारे
जो फॉरेन पॉलिसी होगा उसको कोई डील करेगा। इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए तो सबसे पहले बनाया जाए कि भाई इसका रूल लिखा जाए, वही रूल बुक है कॉन्स्टिट्यूशन। उस रूल बुक में पहले मान लीजिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा कौन, 130 करोड़ यहाँ पर जनता है, उस समय मान लीजिए 24-25-30 करोड़ पूरा का पूरा पॉपुलेशन था भारत का, तो उस समय के मतलब जो जनता था उस समय कौन 30 करोड़ में से कौन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने जाएगा, तो भाई जो सबसे समझदार होगा, तो सबसे समझदार कौन चुनेगा, तो जनता चुनेगा, ठीक है। यही तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन है जिसपे मतलब वी आर द पीपल ऑफ इंडिया गिविंग आवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हम अपने आप को ही ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, हम ही चुन के भेजेंगे, वो हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, वो हमारे लिए क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। हमको पूरा विश्वास है इन पे कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा, तो इलेक्शन करेंगे। और भाई इस देश में गवर्नमेंट रहना, नीड ऑफ़ द गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड ऑफ़ द गवर्नमेंट नहीं रहेगा तो हमारा फॉरेन पॉलिसी कौन बनाएगा, हमारा लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा, हमारे रिसोर्सेस को एक्सप्लॉयट होने से कौन बचाएगा, और मान लो कोई डिजास्टर आ गया उसमें मतलब लोग कैसे हेल्प करेंगे। इसके लिए तो रूल होना चाहिए, एक अथॉरिटी होना चाहिए लॉ बनाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, और इन सभी चीज़ों को प्रोसेस को मैनेज करने के लिए कि भाई ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जुडिशरी को भी रखा गया है, ये टोटल कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का नीड है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं रहेगा तो लोग आपस में एक दूसरे में लड़ के मर जाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का नीड क्या है, वहीं इसको हमको क्या करना है, इसमें देखना है, ठीक। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का नीड देखते हैं। वी नीड द पोलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल द फंक्शन विच आर मेंशन अबव। अपार्ट फ्रॉम दिस पोलिटिकल पार्टीज हेल्प रिप्रेजेंट डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इशू टू द गवर्नमेंट। दे ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टूगेदर सो दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म। दे वर्क एज ए मैकेनिज्म टू सपोर्ट ए रिस्ट्रेन गवर्नमेंट एंड मेक पॉलिसीज एंड जस्टिफाइड एंड अपोज देम। पोलिटिकल पार्टीज फुलफिल द नीड दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज, ठीक है। ये पूरा लग रहा होगा कि क्या क्या लिखा हुआ है भाई, तो इसको एक सिंपल से चीज़ में आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज जो मेजोरिटी में जाती है, जीत के जाती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो गवर्नमेंट करती क्या है वो देखते हैं। अगर गवर्नमेंट का कोई वर्क देखेंगे, एक क्या हो गया लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन एंड जुडिशरी। ये हॉरिजॉन्टल लेवल पर पावर डिवीजन होता है। पॉलिटिकल पार्टी जो जीत के जाएगी, जो मेजोरिटी में रहेगी, पार्लियामेंट में मान लीजिए 550 मेंबर के लिए सीट है, लेकिन कितने अवेलेबल हैं, 543 अवेलेबल है। तो ये 543 क्या करेंगे, पहले किसी एक चीज़ पे लॉ पे एग्री करेंगे, अपोज करेंगे, जो भी मेजोरिटी बेसिस पे आएगा। अगर मान लो इसमें भी इशू होता है, इशू पे ऑर्डिनरी बिल होता है, मनी बिल होता है, स्पेशल मेजोरिटी बिल होता है, अमेंडमेंट बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। अब किस तरीके का बिल होगा वो तो अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बस यही समझिए कि कोई पहले बिल इंट्रोड्यूस होगा। बिल मतलब क्या होता है कि कोई लॉ, हम कोई लॉ लेके आना चाहते हैं। ये बिल देखिए, बिल पढ़िए, पढ़ के पूरे के पूरे पार्लियामेंट में जितने भी पार्टीज के मेंबर होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो सुनेंगे इस पूरे के पूरे के लॉ को क्या लिखा हुआ है। सब बहुत अच्छे से उस पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे हमारे हमारे मतलब रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। कोई उसको हाँ बोलेगा, कोई उस बिल के लिए ना बोलेगा, तो उसके बाद हाँ और ना को गिना जाएगा, जो मेजोरिटी में होगा उसके बाद बिल को पास करवाया जाएगा, मतलब बिल अब लॉ बनेगा। लॉ बनने के बाद भाई बिल लॉ बन गया तो लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए मतलब लॉ को लागू कैसे किया जाए, उसमें पुलिस का क्या रोल होना चाहिए, उसमें सिविल सर्वेंट का क्या रोल होना चाहिए, उसमें एनजीओ का क्या रोल होना चाहिए, उसमें सोसाइटी का क्या रोल होना चाहिए, कितना पैसा लगेगा, क्या चेंजेस करवाने हैं, क्या चेंजेस नहीं करवाने हैं, तो उसका एग्जीक्यूशन करवाने के लिए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको एग्जीक्यूशन करवाएंगे। और जुडिशरी देखेगा कि जो लॉ लाया गया है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन का अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारा कुछ लिखा हुआ है कि कौन लॉ बनाएगा, कौन इसको एग्जीक्यूट करवाएगा, किस तरीके से इलेक्शन होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक। तो यही होता है नीड ऑफ द आपका पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होंगे, एक रूलिंग पार्टी भी होगा जो जीता हुआ होगा, जो गवर्नमेंट चला रहा होगा, जिसके पार्टी के पीएम होंगे, ठीक है। और एक क्या होगा, अपोजिशन पार्टी होगा वो क्या करेगा, ये हमेशा इसके पॉलिसी को देखते रहेगा कि कुछ सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। अगर कुछ गलत कर रहा होगा तो उसको अपोज करेगा, समझ में आ रहा है। अपोजिशन पार्टी पूरा का पूरा चेक्स एंड बैलेंस बना के रखेगा,
मतलब कोई कुछ गलत ना कर ले इस सिस्टम में। तो ये इस तरीके से क्या होगा, अगर इस वेरियस पार्टी होंगे, वेरियस पार्टीज अपने इंटरेस्ट को देख रहे होंगे, तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वहीं सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, क्या हो रहा है, नीड फॉर ए पोलिटिकल पार्टी बिकॉज दे परफॉर्म ऑल द फंक्शन विच आर मेंशन अबव। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस पोलिटिकल पार्टीज हेल्प रिप्रेजेंट डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इशू ऑन द गवर्नमेंट। मतलब डिफरेंट व्यूज, एक बिल लेके आएगा, डिफरेंट व्यूज डिस्कस करेंगे, पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पार्लियामेंट में या स्टेट लेसर में सब डिस्कस होगा। दे ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड। वेरियस रिप्रेजेंटेटिव है, सब अलग अलग कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव एक साथ बैठेंगे तो उनमें दूरियां भी कम्युनिकेशन से क्या होता है, कम्युनिकेशन से डिवीजन को खत्म किया जा सकता है। तो एक जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिप्रेजेंटेटिव थे वो एक साथ आएंगे तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे से कनेक्टेड फील करेंगे और उन दोनों में डिवीजन भी खत्म होगा और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होगा। मतलब मान लीजिए हम रिप्रेजेंटेटिव है किसी कास्ट को, हम पहला फुसला के उससे वोट ले लिए हैं, हम बोलेंगे नहीं ये कास्ट ग्रुप अलग है, फिर उसी पार्टी में क्या होगा, उसी कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, आप दोनों एक ही साथ बैठेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ाई तो नहीं कीजिएगा क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में है, और एक पार्टी के अंदर जब लड़ाई होगा तो उस पर कुछ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। पार्टी के पार्टी का भी एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो वहाँ पर जाकर आप अच्छे से रहिएगा, आपसे दोस्ती भी हो सकता है, हो सकता है कि अगली बार जब आप अपील कीजिएगा तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि नहीं वो मेरा दोस्त है, उसी पार्टी का है, हो सकता है कि दो कम्युनिटी के बीच में दोस्ती भी हो जाए, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैन भी फॉर्म हो जाएगा। दे वर्क एज ए मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन। सपोर्ट और रिस्ट्रेन मतलब या तो सपोर्ट करेगा बिल को या तो रिस्ट्रेन करेगा, मतलब नहीं हम नहीं सपोर्ट करते क्योंकि मेरे लिए खराब है गवर्नमेंट। मेक पॉलिसीज एंड जस्टिफाई और अपोज देम। ठीक है, पॉलिसी बनाएगा उसको जस्टिफाई भी करेगा कि नहीं ये देखिए अच्छा है इस चीज़ के लिए अच्छा है, अगर बुरा लगेगा तो उसको अपोज भी करेगा। ठीक, पोलिटिकल पार्टीज फुलफिल द नीड ऑफ एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। पोलिटिकल पार्टीज मतलब एक पार्टी है क्या, आरजेडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मान लो रिप्रेजेंटेटिव आए, आरजेडी के पास 77 सीटें, 80 तो 80 रिप्रेजेंटेटिव होंगे उसके अंदर, तो 80 रिप्रेजेंटेटिव एक साथ में आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे और पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे कंट्रोल बना के रखेगा और सबको एक कम्युनिकेशन गैप से दूर रखेगा। ठीक है, बहुत सारा चीज़ इसमें लिख सकते हैं आप, बोलने के लिए गए तो पॉलिटी कभी पॉलिटी हिस्ट्री ये सब एंडलेस सब्जेक्ट है, लेकिन जो आपके लिए ज़रूरी है हम बेहतर तरीके से समझा रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, फंक्शन देखते हैं। नीड फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज समझ में आ गया, फंक्शन क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शन कैसे करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, ये स्टार्टिंग में आपको पता चल गया। पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज, इसी को क्या बोला जाता है, मैनिफेस्टो। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन में आती है तो बोलती है कि हम डेवलपमेंट करवाएंगे, हम स्कूल बनवाएंगे, हम मंदिर बनवाएंगे, हम रोड बनवा देंगे, हम सबको जॉब दिलवा देंगे, तो उसके एक मैनिफेस्टेशन होता है, उस मैनिफेस्टो में सब कुछ लिखा रहता है और वो अपना मैनिफेस्टो हर एक पार्टी रिलीज करती है कि हम ये काम करेंगे, ये क्या किस चीज़ के लिए किया जाता है, टू सेव द पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, पब्लिक के ओपिनियन को सेव करने के लिए, हमको पता है कि हमारा कंट्री जो है बहुत डाइवर्स कंट्री है। ठीक, बहुत डाइवर्स कंट्री होने के कारण यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ के लोग, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के लोग रहते हैं। ठीक है, तो जो जिस माइंडसेट को लोग उससे अट्रैक्ट होंगे वो उसको वोट करेंगे और उनके पब्लिक ओपिनियन को क्या करेगा, सेप करेगा वो। ठीक है, पार्टीज प्ले डिसाइजिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर ए कंट्री। ठीक है, पार्टी प्ले, क्योंकि वही पार्टी क्या करेगा, या तो पोजिशन में होगा या तो जीत के जाएगा, तो एक जो भी लॉ बनाएगा देश के लिए उसमें एक डिसाइजिव रोल प्ले करेगा। ठीक, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। ठीक है, पार्टीज गवर्नमेंट को क्या कराते हैं, रन कराते हैं, ये आपको बहुत। दोज पार्टी डेट लूज इन द इलेक्शन प्ले रोल इन अपोजिशन, पहले आपको बता चुके हैं अपोजिशन में रहता है, टू द पार्टीज इन पावर बाई वॉइजिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेल्योर एंड रॉन्ग पॉलिसी। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका है इस चीज़ को। पार्टी सेव पब्लिक ओपिनियन, डिफरेंट डिफरेंट मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टो ला के उस पर क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट व्यूज को लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पार्टीज प्रोवाइड पीपुल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाई द गवर्नमेंट। पार्टीज़ के डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव और जो एक्टिव मेम्बर्स होंगे वो क्या करेंगे, अलग अलग लोगों से जुड़ेंगे, उनको गवर्नमेंट का क्या बताएंगे, पॉलिसी बताएंगे। गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट और जो पब्लिक में एक गैप बना रहता है उसको क्या करेंगे, ब्रिज करने का कोशिश करेंगे पार्टीज़ के मेम्बर। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसी चैप्टर का जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद आदित्य क्लासेज।